देखिए, हम पढ़ रहे थे वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जिसमें हमने पहले रोग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वायरस का मतलब आप जानते ही, वायरस की खोज किसने की थी? डिमित्री आइवानोवस्की ने। मैंने आपको बताया था कि वायरस के द्वारा जितने भी रोग होते हैं, मैं आपको लगभग लगभग सभी रोगों के बारे में बता दूंगा, जिसमें मैं जो शॉर्टकट आपको बताया था कि रेखा हमें हिट करके पोएचे मतलब पीछे छोड़ गई, उसका फुल फॉर्म था, जिसमें पहले रोग के बारे में हमने पढ़ लिया था। रेबीज हम पढ़ चुके थे कल वाले वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे खसरा के बारे में। ये भी एक गंभीर बीमारी है, हालांकि ये देखिए ज्यादातर ये गंभीर बीमारी हम लोगों में नहीं, मतलब वयस्क व्यक्ति में नहीं होती है, ये बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये एक गंभीर बीमारी के रूप में है, मतलब मौत तक हो सकती है खसरा की वजह से। आज हम जानेंगे कि खसरा होता क्या है, किसके कारण होता है, इसका क्या इलाज है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। बात करते हैं खसरा, इसे दूसरी भाषा में, आम भाषा में रूबेला बोला जाता है। इसके बीच में आप देखे होंगे गर्मी के मई या जुलाई के महीने में इसका टीका लग रहा होगा, लग रहा था पिछली, मुझे लगता है अगली साल, पिछली साल लगा था, पिछले साल तो लॉकडाउन था, उसके पहले वाले साल में ये लगा हुआ था। देखिए क्या था, होता क्या खसरा, खसरा को रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। खसरा को क्या कहा जाता है, रूबेला। और याद रखेंगे खसरा इसे हिंदी में बोला जाता है, जो रूबेला शब्द है वो जर्मन भाषा से दिया गया है। किस भाषा से, जर्मन भाषा में इसे रूबेला बोला जाता है। इसकी क्या पहचान होती है, क्या कारण होते हैं, देखिए कैसे पहचानेंगे कि श्वसन के माध्यम से, किस माध्यम से यह फैलता है, श्वसन के माध्यम से। मैंने आपको बताया ना कि केवल अगर आप इसलिए मास्क लगाते हैं कि आप जैसे कोरोना से बच जाएं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो ओमिक्रॉन है वो आपके जो आपका कपड़े का जो मास्क है उसके अंदर भी प्रवेश कर सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं लगाने का। सबसे बेटर है कि भीड़ से बच जाएं, दूरी बना के रखें जितना लोगों से दूर हो सके, समझ रहे हैं, लगातार हाथ धोते रहें, ठीक, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। देखिए सैनिटाइजर आप वैसे भी हमेशा यूज कीजिए भाई, आप जहाँ कहीं भी छूते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया हैं, जैसे अभी देखिए कोई नाखून खा रहा है, बैक्टीरिया है नहीं भाई, यहाँ पे बैक्टीरिया है। आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं वो क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, श्वसन के माध्यम से ये शरीर में आपके इंटर होता है। इंटर का मतलब क्या है, वो आपके शरीर में किस माध्यम से, श्वसन के माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से। मतलब जाहिर सी बात, अगर सांस लेने, वायरस है वो हवा में उड़ रहा होगा, मैंने आपको वायरस के बारे में पढ़ा है, वो हवा में उड़ रहा होगा, आप सांस लेंगे तो वो आपके बॉडी में इंटर हो जाता है। और फिर करता क्या है कि आपको क्या होगा, किस वायरस की वजह से होता है वो देखते हैं, लक्षण हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, किस वायरस की वजह से खसरा होता है, तो ओरबिली वायरस, ओरबिली वायरस का एक जीन्स होता है जिसका नाम होता है पैरामिक्सो जीन्स। आप जानते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हम जीन्स बोलते हैं। जैसे आप पेन पेंस है ना, कॉपी कॉपीज, बुक बुक्स, समझ रहे हैं, वैसे ही जीन और जीन्स होता है, ठीक है, पहनने वाला नहीं। लक्षण क्या, लक्षण होते हैं खसरा के, शुरुआती लक्षण क्या, खासियत होती है क्या, देख के आप पहचानेंगे कि आपको खसरा हुआ है या किसी व्यक्ति को खसरा हुआ है। तो पहला लक्षण उसका होता है बुखार, आपके शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि मैंने आपको जब बुखार वाला बताया था उसमें भी बताया था कि आपका हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को पहले ही फिट कर देता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर इतना जाएगा और हम उसके बीच में दवा खा लेते हैं। बुखार वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बुखार जो है वो एक प्रकार का क्या है, आपके शरीर की प्रतिक्रिया है, हाइपोथैलेमस की एक क्रिया है। आगे अगला पॉइंट क्या है, खांसी आपको आएगी, टीबी वाली खांसी नहीं, क्योंकि टीबी वाले वीडियो हमने पढ़ा था कि खांसी लगातार आएगी वो लंबी, लेकिन इसमें बहुत लंबी नहीं। नॉर्मली ये क्या होता है ना, ये जो खसरा होता है ये 5 से 6 दिन में एक वयस्क व्यक्ति में खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये दीर्घकालिक लंबे समय तक चल जाता है। और बच्चों में, मैंने बताया ना कि ये बच्चों में ज्यादा इफेक्ट इसका कहाँ होता है, बच्चों में होता है। और ये बच्चों को, मतलब बच्चों में एक गंभीर बीमारी, एक मतलब समझिए संक्रामक बीमारी है, जल्दी से फैलने वाली और जल्दी से क्या करती है, मतलब मौत तक हो सकती है व्यक्ति की। इसमें एक बच्चे की बात कर रहा हूं, और व्यक्ति में नॉर्मली 1 हफ्ते 1 वीकेंड तक ये खत्म हो जाता है। आगे बहती नाक, लगातार नाक बहती रहती है, वो क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ी वाली नाक नहीं बहती, एकदम हल्का पानी जैसा हमेशा लगातार बहती रहती है। गाढ़ी वाली तो आप लोग खुद साफ कर लेते है कि नहीं, आंखें हमेशा कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है कि नहीं, यहाँ आते हैं नहीं कंट्रोल करते, हम तो कंट्रोल करते हैं धड़ाक धड़ मजा लो आ जाए, दरवाजा झांक नहीं पता तब तक दरवाजा बंद। फिलहाल चलते हैं बात कर, आंखें कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को खसरा होता है उसकी आंखें धीरे धीरे क्या होती हैं, लाल होती जाती हैं। ये किसके लक्षण हम पढ़ रहे हैं, रूबेला के लक्षण पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसका संक्रमण 14 दिनों तक रहता है। मैंने आपको बताया है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की
कड़ी बोला जाता है। इसका मतलब जब वायरस आपके, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में बताया था संक्रमण और रोग में क्या अंतर है। संक्रमण जब आपके शरीर का कोई अंग प्रभावित ना हुआ हो उसे संक्रमण बोला जाता है, और जब कोई अंग प्रभावित हो जाता है तो उसे रोग बोला जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो आगे बात करते हैं। इसका संक्रमण मतलब ये आपके शरीर में कितने दिनों तक रहता है? 14 दिनों तक रहता है। कौन? रूबेला का वायरस। समझ गए बात को? आगे बात कर लेते हैं। इसके लक्षण की बात हम कर रहे हैं। मुंह में धब्बे, मुंह के अंदर, यहां अंदर अब देखेंगे ना तो धब्बे की जैसी संरचना होगी, जैसे क्या बोलते हैं जिसको गांव में बोलते हैं झलका, फफोले पड़ जाते हैं जैसे आपकी स्किन पे ना, वैसे आपके मुंह के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं। ये खसरा के लक्षण है। अगला पॉइंट, ये शुरू कहां से होता है? सबसे पहले ये आपके सर से शुरू होता है। यहां जगह जगह पे क्या पड़ने लगता है? फफोले पड़ने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं। जिसको चेचक में जैसे दाने निकलते हैं ना, वैसे वहां खुजली वाले दाने, बड़े बड़े दाने निकलते हैं, खुजली वाले, समझ रहे हैं? और फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो दाने क्या होंगे, बड़े होंगे, और पहले शरीर पर क्या होंगे, दाने पड़ जाते हैं, और दानों पर क्या होती है, आपका मन करेगा खुजला लूं। और आपको मैं बताऊं, वायरस, आपको कहा जाता है ना कि अगर आपके शरीर पे पिंपल्स वगैरह निकलते तो उन्हें फोड़े ना, क्योंकि अगर वो वायरस की वजह से होंगे तो अगर वो फूटेंगे तो उसका पानी जहां लगेगा वहां हो जाएगा। तो वायरस अगर पड़ेगा तो आप खुद ना, भाई जाहिर सी बात है वो वायरस से इफेक्ट है वो वाला जो खुजली हो रही है, आप उसको ऐसे खुजला देंगे, यहां से खुजलाएंगे ना तो यहां से लग के यहां तक आएगा, तो यहां नहीं है तो यहां हो जाएगा, यहां करेंगे यहां हो गया, पूरा खजुलहा हो जाओगे। समझ रहे हैं बात को, है कि नहीं? तो क्या होगा, वो धीरे धीरे, पहले वो दाने कैसे होंगे, लाल होंगे। आप कभी कभार कुछ लोगों को देखते पीठ वगैरह में बहुत ज्यादा दाने होते हैं, वो पहले लाल है ना, पहले वो लाल होते हैं, फिर धीरे धीरे देखिए जब कोई चीज गाढ़ी होती है तो वो भूरे कलर की हो जाती है। और वैसे ही ये दाने जो खसरा के दाने होते हैं ये पहले लाल कलर के होते हैं, और धीरे धीरे पूरी बॉडी पे जब आपके, जब जैसे जैसे पुराना होगा, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, वो धीरे धीरे किस कलर का हो जाएगा, भूरे कलर का हो जाएगा। आगे फिर क्या होगा, उन दानों पे खुजली होगी आपको, आप खुजलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये रूबेला के लक्षण है। आगे हम बात करते हैं इसका उपाय हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसमें नहाएं ना, उपाय की बात कर रहा हूं, जब अगर आप नहाएं तो थोड़ा सा नमक वाला पानी, मतलब ज्यादा नमक नहीं, तो दौड़ने लगोगे, समझते हो ना, जहां कटा पीटा होता है वहां नमक पड़ता है तो ऐसा लगेगा, है ना, नमक वाला नीम के पानी से, ताकि बैक्टीरिया है ना जो वायरस होंगे वो धीरे धीरे मर जाए या कुछ बह के चले जाए, कुछ तो कम होंगे, भागते भूत की लंगोटी से ही है ना, सब खोने से अच्छा कुछ मिल जाए। आगे बात करते हैं वैक्सीन, आप इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन लगती है, लेकिन 18 महीने से जो लोग बड़े होते हैं, जो व्यक्ति या जो लड़का 18 महीने से बड़ा होता है वो उसको लगती है। दूसरी डॉक्टर से सलाह आप ले सकते हैं। बुखार कम करने की दवा जैसे पैरासीटामॉल, डोलो, है ना, कई दवाएं अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं, वो इसमें कारगर साबित होती है। विटामिन ए का सेवन कर सकते हैं, मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया है। विटामिन ए में हमेशा कैसे फल आते हैं, पीले कलर के, जो पीले कलर के फल होते हैं वो विटामिन ए की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आगे जो संक्रमित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया ना कि वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो ज्यादातर संक्रामक होते हैं। संक्रामक का मतलब वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं, और वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते उन्हें क्या बोला जाता है, असंक्रामक रोग बोला जाता है। तो अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे रूबेला या खसरा हुआ है तो आप उससे सोशल डिस्टेंसिंग, उससे दूरी बना के रखें ताकि आप उसकी वजह से इफेक्ट ना हो पाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक रूबेला की कोई विशेष दवा नहीं बनी है जो उसके लिए कारगर है, जैसे बुखार के लिए कि आप ये बुखार की दवा खा लेंगे तो आप ठीक ही हो जाएंगे, ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि जो डायरेक्ट आप खा लें और आपका खसरा ठीक ही हो जाए। समझ रहे हैं? देखिए हम इलाज, देखिए हम उपाय कर सकते हैं, इलाज नहीं, हम इसका उपाय, ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, उपाय इलाज में फर्क होता है। इलाज का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, और उपाय का मतलब उसे रोक के रखना, उसे बढ़ने से रोकना, वो उपाय है। समझ रहे बात को? जैसे बारिश की मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं, बारिश होती है तो आप बारिश रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, छाता लगा के आप बारिश में जा सकते हैं, तो छाता क्या है, एक उपाय है, क्या है, बारिश से बचने का एक उपाय है, वो इलाज नहीं है। इलाज का मतलब बारिश को बंद ही कर देना। समझ गए बात को? तो ये था आपका खसरा और रूबेला, इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।